हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? नए दिन की नई शुरुआत उदय बलोच ब्लॉग के साथ में। उम्मीद है कि खैर खैरियत से होगे। और देखो, जिंदगी और मौत तो किसी के हाथ में नहीं है गाइस, पर कुछ मैं बात बताना चाहती हूँ आपको कि कुछ ऐसा हादसा हो चुका है कि बताना तो नहीं चाहती थी, पर वीडियो बनाना पड़ा। तो सब खैरियत है, ऐसी कुछ बात नहीं अपनी। तो बात ऐसी है कि गए संडे, मतलब यही संडे की बात है, जो उसी डैम के ऊपर जो हादसा हो गया मौलाना साहब की फैमिली के साथ में, मौलाना सलमान साहब की फैमिली के साथ में, जो घर के 9 मेंबर जो डूब गए उसमें से चार या पांच का इंतकाल हो गया। चार जन मिले जो उनके साले साहब, ये सब क्या बोलूँ, बहुत एकदम दिल दहला देने वाला हादसा हो गया उनके साथ। तो पहले मुझे क्लिप्स वगैरह उनके जो डूबे, तो बच्चे साली बेटी दोनों बेटियों की क्लिप आ गई थी कि जब मिले ना बच्चे, उसके बाद ही क्लिप आ गई थी ये दो बच्चे मिल गए, ये वो अलग, क्या किसी के साथ में ऐसा हादसा हुआ फिर उस पर वीडियो बनाना वो अच्छी बात नहीं है। बट हम भी गए थे, हम भी डैम पे ही गए थे, जो मेरी पहले हम लोग घूमने गए थे, याद है ना आपको, ढेकाला भाई के फार्म हाउस पे, वहाँ पे भी बड़ा वैसे ही झरना है, बट हम लोग वो छोटे से जो झरना बह रहा था ना वहाँ बच्चों को लेके गए। सच में बहुत खतरनाक होता, वो भी बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, वहाँ पे भी बहुत जन डूब के मरते हैं। पर जो कहते ना कि मौलाना की फैमिली के साथ में हुआ ना, सलमान साहब की फैमिली के साथ में, वो बहुत ही बुरा हुआ। मौलाना सलमान जो थे वो सब पानी में, उनके दो बच्चे साले चले गए, और ये मतलब दोपहर के 12 बजे 12:30 बजे का हादसा था। 12 बजे गए और 12:30 बजे तक का तो पानी का, मतलब 10-15 मिनट के अंदर पानी का बहाव ना बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद टोटल 9 जन वो लोग वहाँ पानी में आने की कोशिश कर रहे थे, बचाने की भी कोशिश चालू थी, पर शायद उनका इतना ही, मैं कह सकती हूँ कि जिंदगी इतनी ही थी बच्चों की भी, जब उनकी वो लाश थी कि तो एकदम, और वो जो सीन जो देख के दिल इतना दहल गया कि क्या बताऊं मैं। कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो सोचो वो मौलाना पे क्या बीतती होगी कि उनकी बीवी उनकी बीवी और वो एक साइड में खड़े और लोग उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि मौलाना यही बोल रहे थे कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने बच्चों को यहाँ पे मारने के लिए ले, उनके सामने उनके बच्चे उनके साले सालियां पूरे फेंक के जा रहे। हाँ तो मुझे मेरे को Thank you.
बहुत तकलीफ होगी। जो हादसा हुआ उसके बाद 4:30 बजे उनकी दोनों बेटियों की डेड बॉडी। सच में वो बाप और माँ को तो अल्लाह सब्र ही सुनते, सब्र करे, बस सब्र ही है उनके लिए दुआ में। अब कुछ नहीं हो सकता कि उनकी पूरी फैमिली उजड़ गई। ऐसा हो कि घूमने गए अपने, मतलब मौत को खुद ही दावत दे दी है ऐसा, मुझे तो ऐसे ही लग। इसके लिए कहीं पे भी जाए, बहुत ही एक सेकेंड का मसला होता है हर जगह डैम का कि पानी छोड़ देते हैं अचानक। बहुत बुरा मसला होता है कि पानी का बहाव एक साथ में ज्यादा हो जाता है, हमें संभलना नहीं। यहाँ पे भी तो पत्थर लगा हुआ था, आप देख सकते हो ना मेरे ब्लॉग में, मैंने पत्थर हटा के थोड़ा सा बहाव ज्यादा करके बच्चों को खड़ा करी थी, हालांकि कमर तक का ही बच्चों के पानी था। वो भी रिस्की है, बारिश पानी के टाइम पे वहाँ कोई नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग जब गए थे तभी एक औरत का पत्थर डूब के वहाँ पे कोई औरत मर गई थी, मामी शायद कपड़े धोने गई थी, वो बिचारी उसकी भी जिंदगी शायद उतनी थी और उसकी मौत शायद वैसी लिखी थी, क्या बोल सकते। तो
तो गाइस दूसरे दिन दो डेड बॉडी मिली, उसके बाद 2 सालों की उनकी डेड बॉडी मिली। 7-8 घंटे के बाद 2 सालों की डेड बॉडी मिली। आप सोच सकते हो जिन्होंने इन हादसों को अपने आँख के सामने देखा होगा कि अपने पैदा किए हुए बच्चों को अपने आँख के सामने डूबते हुए देखा होगा। हम तो सिर्फ सोच के हमारे तन बदन में काटे आ जाते हैं, तो वो माँ और बाप को तो सलूट होगा। अल्लाह सबर दे उनको। तो मैं आगे आपको बताना चाहती हूँ कि कितने दिन से मेरे बच्चे कहते हैं, मम्मी बताओ, आप बताओ। मैंने नहीं बच्चा, मेरे को तो अभी तो वो सब कर भी गए ना, उसके बाद मैं एंटर कर रही हूँ। तो इतनी कितनी हिम्मत चरा, मैं नमाज पढ़ के उठी और उसके बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। वो तो रोना आ रहा था, जब हादसा में देखती हूँ ना क्लिप्स वगैरह, मेरे को बहुत रोना आया था। सच अगर आप भी देखोगे ना, सच में बहुत रोना। वीडियो देखते हुए वीडियो को बंद कर देते या वीडियो भगा के देख लेते, पर सोचो वो माँ बाप पे क्या बीती होगी जो अपनी औलाद को मौत के मुंह में जाते हुए अपनी आंखों से देखे होगी। और वहाँ की पब्लिक बेचारी बचाने की कोशिश कर रही थी। वो कहते कि हर साल वहाँ पे मतलब डूबने की खबर तो आती ही है, शायद इस साल ही पूरी 9 जन की थी खबर। अल्लाह सबर दे और आगे आप ये वीडियो को देखें। नहीं देखना हो तो मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने उस दिन मेरे व्यूज़ कम आए, मुझे ऐसे व्यूज़ के लिए मैं ज़रा भी नहीं कर रही हूँ। सिर्फ इतना है कि खैर खैरिये से कहीं पे भी जाए, यहाँ पे अभी विला वगैरह बना हुआ है, आप लोग वहाँ जाए, विला वगैरह में जाए, वहाँ पे पानी का मतलब झरना वगैरह से बनाते हैं आजकल आर्टिफिशियल, वहीं जाए। ये सब कुदरती झरनों के पीछे ना भागे और बारिश के टाइम पे ना भागे। अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए ये सब जगह मत जाए, क्योंकि हम लोग के बच्चे चड्डी गैंग का भी अभी बन रहा था प्लान कि वो लोग भी लोनावला जा रहे थे। हम लोग ने सब मना कर, किसी को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। वो गए साल भी यहाँ से सब बड़े बच्चे गए थे और अल्लाह का शुक्र कि सब सही सलामत आ गए। प्लीज ऐसा करें कि थोड़ा पैसा डाल के इतना दूर जाने से अच्छा अपने यहाँ पे भी है, विला वगैरह है, या समंदर किनारे जाते हो तो पानी में नहाने की जरूरत नहीं है। अभी भी बोल रही है, तो मेरी खास फैमिली वालों को बोल रही हूँ। वो लोग जाते जुम्मा के दिन अरनाला जाते, यहाँ वहाँ जाते, भाई अल्लाह के लिए ना जाए ना जाए और ना पानी के किनारे जाए। खास करके जिक्रा, माहिरा, अरबाज, मेरे घर वाले बोल नाम लेके, इन लोगों को कुछ नहीं दिखता, इन लोगों को अरनाला दिखता है। माहिरा, जिक्रा, अरबाज, इन लोगों के मोबाइल के स्टेटस ही मेरे बच्चों के आप देखोगे ना, समंदर के किनारे खड़े, सूरज डूब रहा है, ना जाए।